ग्वालियर में राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रीजनल सेंटर खोला गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने रीजनल सेंटर का शुभारंभ किया। ये सेंटर बीआर अंबेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज में खोला गया है। इस मौके पर उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को और बेहतर किए जाने की जरूरत है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि तकनीकी शिक्षा में एमपी के किसी भी कॉलेज का बड़ा नाम नहीं है। साथ ही उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि भोपाल में एक ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी खोला जाएगा। भोपाल के अलावा इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर तथा उज्जैन, यहाँ यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर खुलेंगे। वहाँ पर छात्रों की समस्याओं से संबंधित, आवश्यकताओं से संबंधित लगभग सभी काम संपन्न किए जाएंगे, ताकि छात्रों को भोपाल नहीं भागना पड़ेगा। धीरे धीरे रीजनल सेंटर्स को हम डेवलप करेंगे और प्राइवेट कॉलेज से संबंधित भी सारे काम इन्हीं रीजनल सेंटर के माध्यम से संपन्न कराने की हमारी योजना है। उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया कि तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा, जिसके तहत प्राइवेट तकनीकी कॉलेजों में फैकल्टी के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। एक बार समस्या आती थी कि फैकल्टी का स्तर ठीक नहीं है या रिपीटेशन की भी समस्या आती थी, इसलिए आरजीबीपी ने हमने तय किया है कि अभी जनवरी 2015 में एक टेस्ट ले रहे हैं। अभी तक 1500 आवेदन वहाँ आ चुके हैं और उनको टेस्ट लेकर क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट हम देंगे, और उस सर्टिफिकेट के कारण वो कोई भी प्राइवेट कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज उनको रखना चाहेगा तो वो भी अनिवार्य होगा उस टेस्ट को क्लियर करना, ताकि एक योग्यता का मापदंड निर्धारित हो सके।